हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट टाइम कूलम्स लॉ देखा था। क्या था कूलम्स लॉ? द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। फिर हमने यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा था कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये जो के है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये याद है। फिर हमने इन जनरल के की जगह 1/4πε रखते हैं इन जनरल, लेकिन अगर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में हैं तो वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन जीरो रखते हैं। ओके, तो ये एप्सिलॉन जीरो क्या है? तो ये एप्सिलॉन जीरो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, राइट? फॉर एनी अदर मीडियम यू रिप्लेस एप्सिलॉन जीरो बाय एप्सिलॉन। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होती है, जो आपको लास्ट टाइम समझाया गया, ये सिर्फ एक रिवीजन हो रहा है। फिर हमने ये जनरल फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, अगर मीडियम नहीं है मतलब फ्री स्पेस है या वैक्यूम है तो आप एप्सिलॉन को रिप्लेस कर सकते हो एप्सिलॉन जीरो से। ओके, अगर जनरल फॉर्मूला आपको, ये तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के टर्म्स में फॉर अ गिवन मीडियम, लेकिन अगर जनरल फॉर्मूला आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में हमने क्या लिखा था? के एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन क्या लिखा था? एप्सिलॉन जीरो के। ओके, तो एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 by R square। तो दिस इज जनरल, K को आप ये बिग K, दिस इज स्मॉल K, इन दोनों के बीच कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये K, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये डायमेंशन लेस है बिकॉज दिस इज अ रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटीज, दिस इज अ रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटीज। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो के की जगह कभी कभी किसी किसी बुक में आपको एप्सिलॉन आर भी दिखाई देगा, एप्सिलॉन आर भी दिखाई देगा। इसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म देखा था कूलम्स लॉ का, उसको भी एक बार देख लेते हैं फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या था कूलम्स लॉ का? कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एनी अदर चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय डिफॉल्ट हम वैक्यूम ही लेते हैं, जब तक कोई मीडियम स्पेसिफाई ना किया हो तो हम वैक्यूम ही कंसीडर करते हैं। तो 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। ओके, एंड डायरेक्शन कहाँ होगा? तो अगर आपको प्योरली वेक्टर फॉर्म लिखना है, प्योरली वेक्टर फॉर्म, तो Q1 का पोजीशन माइनस Q2 का पोजीशन इसका क्यूब एंड R1 माइनस R2, ये आपको पहले पढ़ाया गया है। इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये आपको पहले पढ़ाया गया है। कैसे आता है आप वीडियो 4 डे 2 का देख सकते हो, यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं, इट इज अ वीडियो 1 एंड दिस इज डे 3। ओके, सो F12 इज 1/4πε0 Q1 Q2 R1 - R2 होली क्यूब R1 - R2। इसको कट मत करना, ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, ऐसा मत सोचना सर एक कट हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा,
बच्चों ऐसा नहीं होता, आर वन माइनस आर टू एंड आर वन माइनस आर टू होली क्यूब, ये मैग्नीट्यूड का क्यूब है, वेक्टर्स ऑफ करेक्शन। नाउ अगर सिस्टम में एक से ज्यादा चार्जेस हैं, सपोज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, एक से ज्यादा चार्जेस है और हमें क्यू वन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है ड्यू टू दिस अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फोर्स। व्हाट डज इट मीन? आप देखिए क्यू टू के कारण, सपोज हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ऑल आर लाइक चार्जेस, सपोज ओके हमें साइन पता नहीं तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते सारे पॉजिटिव है, क्या फर्क पड़ता। तो क्यू वन के ऊपर फोर्स क्यू टू के कारण ये रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इधर होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री इस तरफ होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, क्यों भाई डायरेक्शन ऐसे बता रहा हूँ मैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, ऐसे क्यों लगा, ये ऐसे क्यों लगा, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इट इज ऑलवेज ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज पार्टिकल, ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज के ऊपर Q1 के ऊपर Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है, Q4 भी फोर्स लगा रहा है, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करना है, ये सभी का वेक्टर सम। अब देखिए सपोज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन Q1 का पोजीशन R1 है, Q2 का पोजीशन R2 है, Q3 का पोजीशन R3 है, Q4 का पोजीशन, अरे बात है Q4 को तो थोड़ा ऐसे ले लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, Q4 का पोजीशन R4 है। देखो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना ठीक है, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है हमारे पास। तो हमें ये सभी फोर्सेस की फॉर्मूला लिखनी ठीक है, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखनी है। तो देखिए ध्यान से देखो बच्चों, F12 का लिखा हुआ है, F13 क्या होगा बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से, ये 1/3 है, इसलिए Q1 Q3 R1 माइनस R3 होल क्यूब R1 माइनस R3, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं ठीक है ना, n चार्जेस भी हो सकते हैं, डॉट 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 n चार्जेस, तो इन जनरल ही हम लिख देते हैं। अगर सिर्फ तीन चार्ज प्रेजेंट है तो 1 के ऊपर 2 के कारण फोर्स लगेगा, 1 के ऊपर 3 के कारण, अगर सिर्फ दो चार्ज प्रेजेंट है तो नेट फोर्स क्या आएगा बच्चों बोलो, वेक्टर सम ऑफ F12 एंड F13, इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, ये दोनों फॉर्मूला कॉमन क्या है, वैसे तो मुझे लिख के समझाना चाहिए पर मैं लिख के नहीं समझा सकता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास, पर आप में तो दिमाग है ना, तो दिमाग का यूज करो और देख लीजिए बच्चों क्या हो गया, ये एडिशन हो गया, ये कॉमन निकल गया, देखिए ये सेम सेम को हम हमेशा कहाँ लेते हैं बाहर, जो सेम सेम होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं बच्चों, समझ में आ गया, चलिए बोलो हो गया। अगर इसकी जगह n चार्जेस होते तो यही फॉर्मूला n तक चलता, डॉट 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 एफ वन एन, क्लियर, और जो लास्ट टर्म होता वो कैसा होता बताइए, जैसे यहाँ एफ वन टू के क्यू वन क्यू टू आर वन माइनस आर टू क्यूब आर वन माइनस आर, ये के है, के क्यू वन क्यू थ्री आर वन माइनस आर थ्री आर वन माइनस आर थ्री क्यूब, क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा क्यू एन, थोड़ा सा सोचना नहीं समझ में आता है शायद, भाई पी लेना, पीना स्टार्ट कर दो क्या, आप चाय पी के सोच लेना क्या आएगा ठीक है ना, ये कैसे आ रहा पता चल गया। इन जनरल अगर आपको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो बाहर आ जाएगा, समेशन क्यू वन, ये क्यू वन समेशन क्या होगा बोलिए, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ क्यू जे, क्या लिखता हूँ आर वन माइनस आर जे होली क्यूब होल क्यूब आर वन माइनस आर जे, जे वेरी फ्रॉम वन टू एंड बट जे नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि वन से स्टार्ट नहीं करेंगे, वन तो यहाँ आ गया, जे विल वेरी फ्रॉम टू थ्री, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आप टू से भी लिख सकते हो,
लेकिन जब आप जनरल फॉर्मूला बनाओगे फोर्स ऑन एनी आइथ पार्टिकल, एनी आइथ पार्टिकल, तो हम ऐसा लिखेंगे क्यू आई फोर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। समझना बेटा, ध्यान से समझना, क्यू जे आर आई माइनस आर जे, ये आर आई सब नहीं है, ये आर आई माइनस आर जे, आर आई माइनस आर जे, क्लियर? वेयर आई वेरी स्ट्रॉन्ग, और यू कैन से जे वेरी स्ट्रॉन्ग 1 टू n, बट j एंड i कैन नेवर बी इक्वल। तो ये जनरल फॉर्मूला हो फोर्स ऑन एनी आइथ पार्टिकल ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, आई कुछ भी हो सकता है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर, इसी तरह से फोर्स ऑन टू ड्यू टू अदर होगा, तो यहाँ q2 आ जाएगा, j नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा, यस और नो? बोलो समझ में आता है? तो ये है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? In a system of charges, when many charges are present, तो force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charge. Individual forces are unaffected due to presence of other charge. उसका मतलब आप समझना कि अगर सिस्टम में, यहाँ पे बता देता हूँ क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो पहले सपोज ये दोनों ही थे, तो क्यू वन पे क्यू टू फोर्स लगा रहा था, अब क्यू थ्री भी है तो क्यू वन पे क्यू थ्री भी फोर्स लगाएगा, लेकिन क्यू थ्री के आने से क्यू टू क्यू वन के ऊपर जो फोर्स पहले लगाता था अभी भी उतना ही लगाएगा। सपोज पहले फाइव न्यूटन इधर लगा रहा था तो फाइव न्यूटन ही लगाएगा, क्यू थ्री के आने से क्यू वन के ऊपर क्यू टू के कारण जो फोर्स लगता है वो चेंज होगा नहीं। इसीलिए कूलम्स फोर्स को, कूलम्बियन फोर्स को टू बॉडी फोर्स कहते हैं। आई रिपीट अगेन, क्यू वन के ऊपर जो फोर्स लगता है क्यू टू के कारण वो क्यू थ्री के कारण चेंज नहीं होगा। पहले जो लगता था अभी भी वही लगेगा। अगर मैं यहाँ क्यू फोर रख दूँ तो क्यू वन के ऊपर क्यू टू के कारण जो फाइव न्यूटन लग रहा था वो तो लगेगा, लेकिन अब क्या होगा, क्यू वन के ऊपर क्यू थ्री भी लगाएगा, क्यू फोर भी लगाएगा, तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन क्यू टू के कारण जो क्यू वन के ऊपर फोर्स लग रहा है That is not going to change. इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि force between two charges is not affected by presence of third charge. हाँ, net force इसके ऊपर change हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच जो force लगता है, पहले जो लगता था, इस दोनों के आने से इसके कारण इसके ऊपर जो force लग रहा है वो जितना पहले लग रहा था अभी भी उतना ही लगेगा। So let us ये आप लिख लीजिए, ठीक है? Next video.